गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी बताई इससे पहले वाले लेक्चर में, जियोग्राफी में क्रस्ट बताए थे, है ना, पूरा क्रस्ट बताया था। अरे जिस स्थल पे तुम रह रहे हो, जिस स्थल पे बैठ के पढ़ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट हिंदी में भू पर परपटी, भू परपटी, समझ में आ रहा है? भू परपटी अगर तुमसे क्रस्ट पूछा जाए, क्रस्ट भू परपटी पूछा जाए, तो पहले जो साइंटिस्ट थे, दो प्रकार के साइंटिस्ट हैं जियोग्राफी में, समझ में आ रहा है? जो पहले साइंटिस्ट हैं उनको कहते हैं लोन साइंटिस्ट, जो पहले साइंटिस्ट है, और जो दोबारा में साइंटिस्ट आए उनको कहते हैं जीनियस साइंटिस्ट। जो लोन साइंटिस्ट है वो अर्थ को जल्दी जल्दी में, कि हमारा जल्दी से नाम हो जाए, जल्दी कुछ बता दे, और तीसरा कोई बताए उससे पहले हम बता दें, तो ये क्या कह के निकल गए? ये जो ऊपरी भाग है इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। जो इसके अंदर का ये जो दूसरी परत है, सबसे बाहरी परत क्रस्ट, इसके अंदर जो दूसरी परत है, जो इसके अंदर और तीसरी परत है, इसको क्या बोलते हैं? ये किसने बताया? लोल साइंटिस्ट। समझ में आया? एकदम क्लियर। पहले सब जिंदगी में इनिशियल फेस में सब लोल होते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तब तुमको इतना ज्ञान था। इंसान सब सीखता है दूसरों से। हम अपनी जिंदगी में ब्रिलियंसी तब प्राप्त करते हैं जब हम प्रैक्टिस पे रहते हैं, पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम जिंदगी में सब हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस खत्म, भूत हो जाओगे, भोंदू जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो स्टार्टिंग फेस में बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा खनिज पाया जाएगा, क्रस्ट जिससे बनी है, किससे बनी है बताओ? सी आल से। किससे बनी है क्रस्ट? दिख रहा है साफ कैमरे में? दिख रहा है, सियाल से बनी है। और ये जो मेंटल है ये किससे बना है? ट्रिक है बाबू, सीमा। और सियाल सीमा नीफे। समझ में आ रहा है? और ये जो सी है, ये जो सियाल का सी है, इसको बोलते हैं सिलिका। सिलिका ए एल को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। फिर सी को क्या बोलेंगे? सिलिका। एम ए को क्या बोलेंगे? समझ में आया? ये जो नी है, नी, इसको बोलेंगे निकेल। भैया पीरियोडिक टेबल में साइंस वाले सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो? निकेल। एफ ई को क्या बोलते हैं? आयरन। समझ में आया? ये जो लोल साइंटिस्ट है ये क्या बता रहे हैं? कि जो बाहरी भाग है वो किससे बना है? सिलिका एल्युमिनियम से। जो उसके अंदर का भाग है वो किससे बना है? सिलिका मैग्नीशियम से। जो सबसे अंदर का भाग है वो किससे बना है? निकेल और आयरन से। ये जो बीच का भाग है, कहते हैं जो बीच का भाग है, इसमें ये क्या भरा हुआ है? मैग्मा। लोल साइंटिस्ट ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर ये कह रहे, किसी ने पूछा इनके भाई बंधु ने कि ये बताओ कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो स्टार्टिंग में क्रस्ट की औसतन जो डिस्टेंस है, नीचे की गहरान, वो कितनी बताई गई? 35 किलोमीटर। समझ में आया? उसके नीचे जो दूसरी परत है जिसको क्या कहते हैं? मेंटल, जो बना है सीमा से, उसकी गहरान कितनी है? 2100 किलोमीटर। समझ में आया? और 2100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 2100 से, 2100 से आगे कितना जाओगे? 6371। अरे 6300, 63000, अरे नहीं 6000 होगा बाबू, ये भूल गए, 6631 किलोमीटर। समझ में आया? अब जब इतनी तुम एक से लेकर 6631 तक आओगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे? अर्थ के रेडियस के बीच पे पहुंच जाओगे। अगर इतना ही डिस्टेंस तुम और ज्यादा अंदर चले जाओ तो कहां निकल जाओगे?
अर्थ के बाहर निकल जाओगे, एक छेद से दूसरे छोर पे निकल जाओगे। मतलब इंडिया में छेद बनाओगे, निकलोगे कहां? अमेरिका में निकलोगे। यहां तक आया था समझ में? कोई दिक्कत? अब जो होशियार साइंटिस्ट है, जीनियस साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जीनियस साइंटिस्ट क्या कहते हैं सुनना, ये क्रस्ट को दो भागों में बांटेंगे, क्रस्ट को दो भागों में बांटेंगे, कहेंगे कि ये जो क्रस्ट है अगर पर्वत पे है तो इसकी अलग होगी गहरा, अरे सिंपल बात है भाई, पर्वत से अलग होगी गहरा, स्थल से अलग होगी, स्थल से अलग होगी और समुद्र से अलग होगी। समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या बता रहे हैं? पर्वत से 70 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? जहां हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं स्थल है नहीं है, यहां से 35 किलोमीटर, समुद्र से 5 किलोमीटर। अगर तुमको मैग्मा तक पहुंचना है, अगर तुमको मैग्मा तक पहुंचना है और तुम पर्वत पे खड़े हो तो तुमको कितना अंदर जाना पड़ेगा? 70 किलोमीटर। जहां पे खड़े होके हम पढ़ा रहे हैं ये क्या स्थल, यहां से मैग्मा तक पहुंचना तो कितना जाना पड़ेगा अंदर? 35 किलोमीटर। अगर समुद्र में हो, तुम समुद्र की सतह पे हो, ये समुद्र की सतह है, इस सतह से 5 किलोमीटर ही अंदर जाओगे, क्या मिल जाएगा? मैग्मा। समझ में आ रहा है? लेकिन साइंटिस्ट ने कहा भैया कि ये इतनी भी पतली नहीं है, ये ऊपर की क्रस्ट इतनी भी पतली नहीं है, नहीं तो क्या होता, ये विनाश हो जाती क्रस्ट। ये जो कह रहे हैं, जो इससे पहले वाले साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने कहा है एवरेजन 35 किलोमीटर की क्रस्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें से जो ऊपरी मेंटल का भाग है, ऊपरी मेंटल का भाग 65 किलोमीटर, वो भी कैसा है? सॉलिड है। वो भी कैसा है? सॉलिड है। इन दोनों को मिला के, पहले का 35 बाद का 65, इन दोनों को मिला के अब क्या कहते हैं? स्थल मंडल। बताओ किसको किसको नहीं क्लियर? इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। ये कौन बता रहा, लोन साइंटिस्ट या जीनियस? जीनियस वाली बात है नहीं, बताओ। समझ में आया? कह रहे हैं ये जो इस स्थल मंडल, ये जो स्थल है जहां पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये समुद्र का ये स्थल है। अरे भैया समुद्र का पानी भी तो किसी स्थल पे होगा, नहीं होगा कि वो सीधे मैग्मा से जुड़ा हुआ है, स्थल पे होगा, लेकिन वो स्थल कितनी है? 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? ये जो जिस स्थल पे हम हैं और वो जो समुद्र का स्थल है, उसके बीच में जो पट्टी पड़ी हुई है, उसके बीच में जो पट्टी है जो दोनों को डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिक बताए थे सीएम राहुल गांधी, कोनार्ड। कोनार्ड कोनार्ड असंबद्धता रेखा, इंग्लिश में कहेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लाइन। बताओ क्लियर? अगर सिंपल तुमसे पूछ लिया जाए कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लाइन किन दो भागों को अलग करती, तो ये ना ठोक के चला आना क्रस्ट को और मेंटल को। वो किसको अलग कर रही है? वो महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग। महाद्वीपीय भाग पे हम पढ़ा रहे हैं, महासागरीय भाग पे? महाद्वीपीय। तो बताओ महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग को कौन अलग करता है? कोनार्ड असंबद्धता रेखा। समझ में आया यहां तक? क्लियर? फिर इसके बाद ये कह रहे 65 किलोमीटर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितने की हो जाएगी? 100 किलोमीटर की। कहते हैं हाँ ये एक्चुअल इसकी मोटाई है। किसकी? क्रस्ट की। किसकी एक्चुअल मोटाई है? क्रस्ट की, मतलब लिथोस्फीयर की। अरे भैया क्रस्ट अगर एग्जाम में क्रस्ट आ जाए, सिंपल क्रस्ट आए, तो ये वाले साइंटिस्ट को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बताते बताते मर गए, तो इनको नकार सकते? नहीं नकार सकते। तो बताओ औसतन क्रस्ट की गहराई कितनी होगी? 35 किलोमीटर। लेकिन अगर जीनियस की बात हो रही, जीनियस में अगर तुमसे लिथोस्फीयर पूछेगा, स्थल मंडल, तो कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा? नहीं होगा। 100 किलोमीटर की क्या है? लिथोस्फीयर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत?
100 किलोमीटर की लिथोस्फीयर है, एकदम क्लियर। अब लिथोस्फीयर की अगर नीचे जाओगे, लिथोस्फीयर टोटल कितनी है 100 किलोमीटर की, लिथोस्फीयर के नीचे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, आउटर मेंटल मिलेगा नहीं मिलेगा, आउटर मेंटल। अरे ये अर्थ है, अर्थ है, और ये पूरी अर्थ बनाए, अर्थ का ऐसे करके शेप है जैसे तरबूज में फांकी काटते हैं, अरे फकिया काट के दिखा देते हैं, लेते हो पूरा लाल है, ठेले पे जाते हो तरबूज लेते हो पूरा तरबूज बीच से काट के दिखाते हैं, दो पल्ले कर दिए देखो लाल ऐसे दिखाते हैं, उसमें से एक फांकी काट देते हैं, इसे निकाल लेते हैं, जीनियस वो भी बहुत जीनियस है तरबूज वाले, फांकी काट देते हैं, ऐसे फांकी निकालेंगे और बताओ जो फांकिया जैसे देखोगे पूरी लाल है, तो इसका मतलब क्या पूरा तरबूज क्या है लाल है, तो बताओ फांकी से पूरे तरबूज का पता चल रहा नहीं चल रहा, चल जाएगा, तो बताओ पूरा ये पूरा अर्थ बना या फांकी बना दे बताओ, अरे बताओ ये पूरा अर्थ बना या फांकी बना है, बेवकूफ नहीं समझ पा रहा देखो ये पूरी अर्थ है, अर्थ है, इसको बार बार हम बनाएंगे तो तुम पगला जाओगे, पगला जाओगे, अब बार बार पूरा बोर्ड गंदा हो जाएगा, इसीलिए फांकी काटेंगे इसमें है, ऐसे तरबूज में ऐसे निकाल लेते पकड़ के निकाल लेते, ऐसे निकाल के दिखाते नहीं दिखाते, देखो पूरा लाल है, देखो यहां तक होती बीच से सेंटर से फांकी निकालते हैं, और हम भी सेंटर से फांकी है मारे, जिसमें अर्थ में चाकू मारे और निकाल के इधर सेट कर दिए, बताओ वैसी फांकी है गड़बड़ है, है वैसी हाँ देखो ऊपर का जो भाग है ऊपर का खतरा है, देखो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर क्या है स्थल मंडल, 100 किलोमीटर का स्थल मंडल है, अगर इस अर्थ पे बनाए, अरे तुम काहे नहीं समझ रहा भाई, इस अर्थ पे बनाए तो देखो ऐसे पूरा घुमा देंगे, ऐसे बाहरी भाग बन गया नहीं बन गया, और इसको क्या बोलेंगे स्थल मंडल, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और इस फांकी में ऊपर का भाग काटे तो ये भी तो हुआ स्थल मंडल, समझ में आया, तो बताओ फांकी में पढ़ा इस पे पढ़ा, अरे देखो देखो ये इसमें पढ़ो इसमें ज्यादा समझ में, उसे बार बार गोला बनाएंगे, स्थल मंडल कितना है 100 किलोमीटर, इसी फांकी पे क्या बना रहे, ये बनाए पर्वत, ये पर्वत फिर स्थल, उसके बाद क्या है समुद्र, समझ में आ रहा है, ये क्या है पर्वत, उसके बाद जहां खड़े होकर पढ़ा रहे 35 किलोमीटर, ये कितना 70 किलोमीटर, और जिसमें पानी ये समुद्र है, और समुद्र का जो तहतर नीचे का है, नीचे का भाग जो नीचे का मोटाई है वो कितनी है 5 किलोमीटर, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं पागल 32 किलोमीटर मैग्मा भरा है, ये जो लोल है नहीं है बताओ, ये कह रहे कि 32 किलोमीटर इसके अंदर मैग्मा भरा है, मैग्मा के ऊपर सॉलिड पार्ट है जिसको क्या कहते हैं क्रस्ट, और ये क्रस्ट इस पे तैर रही है, अब बताओ मैग्मा कितना खतरनाक होता है, तो फेंक देगा इनको उठा के, ये 35-35 किलोमीटर तब विस्फोट कर देगा, उसमें वो होता है अरे परमाणु विस्फोट, 24 घंटे परमाणु विस्फोट होता है, अब बताओ एक परमाणु विस्फोट हुआ था जापान में, जापान तबाह हो गया था, अब बताओ ये इतनी छोटी होगी प्लेट, तो कह रहे इतनी नहीं है ये, इसमें और ऐड करो कितना 65 किलोमीटर, इस पूरे को क्या कहोगे स्थल मंडल, समझ में आया, इस पूरे को क्या बोलोगे स्थल मंडल हो गया, और स्थल मंडल के नीचे क्या है मेंटल, स्थल मंडल के नीचे मेंटल है, वो कैसा मेंटल बताएं, सिंपल वो मेंटल बताएं कि भैया 2300 किलोमीटर का मेंटल है, और 2300 किलोमीटर तक क्या भरा है मैग्मा, बताएं नहीं बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो ये जो ऊपरी मेंटल है, ये जो ऊपरी मेंटल है इसमें भरा है मैग्मा, जो ऊपरी मेंटल है इसमें भरा है मैग्मा,
लेकिन जो नीचे वाला मेंटल है वो क्या हुआ, ऊपर वाला आउटर मेंटल, और नीचे वालों को क्या बोलोगे, इनर मेंटल। तो बताओ बीच में डाले ऐसे लाइन, समझ में आ रहा है? ये जो ऊपरी मेंटल है, ये वाला ऊपरी मेंटल है, इसी ऊपरी मेंटल में क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा है। और ये कितने किलोमीटर का है, 400 किलोमीटर का, समझ में आ रहा है? अरे तुम मैग्मा में बाइक कितने किलोमीटर चलाओगे, 400 किलोमीटर चलाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, आउटर मेंटल में, इनर मेंटल में। और इनर मेंटल कैसा है, ठोस, समझ में आया? इनर मेंटल कैसा है, ठोस, ये भाग जो है ये ठोस है। अब 2100 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर माइनस करो, 2100 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर माइनस करो, कितना हुआ, 2500 हुआ। 2500 किलोमीटर क्या है, इनर मेंटल। ठोस भाग कितना है, 2500 किलोमीटर, बताओ कोई दिक्कत है? ठोस भाग ज्यादा है, ठोस भाग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लिक्विड पार्ट, और लिक्विड पार्ट कैसा है, मैग्मा। अरे ये चट्टान जो, ये जो चट्टाने होती हैं, ये गल गई है, ये चट्टाने गल के क्या बन गई हैं, मैग्मा। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर इसको उठा के फेंक दे पानी बन जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है उसका, समझ में आ रहा है यहां तक? अरे ये वाला समझ में आया, ये पूरा क्या है, ऊपर का क्या है, स्थल मंडल। मेंटल में दो पार्ट, आउटर मेंटल में क्या भरा है, मैग्मा, इनर मेंटल में मैग्मा भरा है, नहीं भरा है, वो ठोस है। ठोस है मतलब क्या है, चट्टानीय जैसा, चट्टानीय नुमा है, चट्टानीय नुमा ही किसमें परिवर्तन हो गया, ऊपर मैग्मा में, एकदम गल के, गल सड़ गया है एकदम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, किसका, मैग्मा का। अगर ये मैग्मा सतह पे आया, यहां सतह पे आया, तो साइंटिस्ट इसको क्या कहेंगे, लावा। और जो हम लोग इसको देखेंगे तो इसको लावा बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, वोल्केनो, समझ में आया? सब एक ही नाम है, अरे एक इंसान के कई नाम होते हैं, एक इंसान के तीन चार नाम होते हैं, एक घर वाले रखते हैं, एक दोस्त रखते हैं, और एक ठीक है, अरे वो तीन नाम, तीन चार नाम होते नहीं होते, उसी प्रकार से तीन चार नाम है किसके, लावा के, मैग्मा के। अंदर अगर है तो घर के अंदर तुम होगे तो मम्मी तुमको अलग नाम से पुकारेंगे, और रोड पे जाओगे तो दोस्त पुकारेंगे, तो बाहर जाओगे जब तुम तो जिस आधार कार्ड पे जो नाम है उससे बुलाओ जाए, बुलाए जाओगे, नहीं जाओगे। तो मैग्मा अगर अंदर है, घर पे है, तो अलग नाम, अलग नाम क्या है इसका, मैग्मा, मैग्मा नाम है ओरिजिनल नाम, घर का नाम। आइए सतह पे आया तो दोस्तों वाला नाम क्या है, लावा। और जब ये दूसरे लोग इसको देखेंगे, बाहर के लोग, तो इसका दूसरा नाम धरेंगे क्या, ज्वालामुखी। आईएएस के मेंस में कितना अच्छा क्वेश्चन आया था कि जब आता है ज्वालामुखी, और जहां जहां आता है ज्वालामुखी वहां कैसे कैसे लोग होते हैं दुखी, आईएएस का मेंस का बता रहे, जियोग्राफी जीएस पेपर वन में आया था क्वेश्चन 2018 वाले बैच में आया था। देखो क्वेश्चन है सिंपल, अरे वो पूछ रहा है कि ज्वालामुखी जब आता है, ज्वालामुखी समझते हो, ज्वालामुखी जो हम लोग देखते हो क्या होता है, ज्वालामुखी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, मान लो जहां हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे निकल आए ज्वालामुखी, तो बताओ कैसे कैसे लोग होंगे दुखी, ये बताना था 250 वर्डों में। और कहां कहां आता है ज्वालामुखी, करंट अफेयर से रिलेट करके सब जगह का बताओ ज्वालामुखी, और कैसे कैसे लोग होते हैं दुखी, इतना बता दो, नंबर मिल गए, बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आईएएस के मेंस का बता रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो कराता है, ये ज्वालामुखी आया समझ में, अभी बता देंगे कैसे कैसे लोग होते हैं दुखी। अरे ज्वालामुखी से बहुत प्रकार से लोग दुखी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर बारिश होगी और उससे मिक्स हो जाएगा तो क्या बनाएगा, बना देगा एसिड रेन, एसिड रेन अगर तुम्हारे घर पे गिर जाए तो घर क्या हो जाएगा, जैसे पिघलता है ऐसे धीरे 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 पिघलने लगेगा। और यही जब ज्वालामुखी निकलेगा तो टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हिमालय पे
आइस मेल्टिंग होने लगी। आइस मेल्ट होगी वहां से खूब सारा पानी आएगा और पानी सब बिहार विहार को ऐसे समेटते हुए निकल जाएगा और वो पानी कैसा होगा, साफ होगा, गंदा होगा, गंदा पानी होगा। जिस मछली के मुंह में गंदा पानी चला जाएगा वो मर जाएगी। कोरल रीफ को गंदा पानी नहीं पसंद है और कोरल रीफ भी सारी मर जाएंगी। देखो पूछ रहा कौन कौन हो रहा दुखी, कोरल रीफ दुखी, बिहार वाले इंसान दुखी, कैसे कैसे दुखी हो रहे, समझ रहे हो। यही सब आईएएस में लिखना था, समझ में आ रहा है। अरे भैया कनेक्टिविटी से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। भाई ये शब्द पकड़ लो, फिर शब्द के अंदर घुस जाओ, हेल के घुस जाओ, उसमें सब खखोर खखोर के देख के फिर बाहर आओ, और शब्दों में ही फंसाता है। ट्रेंड चल रहा है यार एग्जाम का, वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो सबके 100 में से 100 नंबर, सब विद्रोह कर देंगे, कहेंगे सबके 100 हैं तो हमको भी क्या चाहिए, हमको भी पोस्ट चाहिए। इसीलिए वो शब्दों में ही नचा घुमा फिरा के निकाल देता है। अब देखो मेंटल कितने किलोमीटर का है, टोटल मेंटल 2300 किलोमीटर का, 2300 में से 400 किलोमीटर का जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल जिसमें मैग्मा भरा है उसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मेंटल, दुर्बलता या दुर्बलता मंडल, हिंदी बहुत कठिन होती है, दुर्बलता मंडल, समझ में आ रहा है। ऊपर वाले को कहते हैं लिथोस्फियर, लिथ मतलब चट्टान होता है, लिथोस्फियर है, और इसको क्या बोलते हैं, स्थेनोस्फियर, गली हुई चट्टान को क्या बोलेंगे, स्थैस, स्थैस वही शब्द है स्थेनोस्फियर। लिथोस्फियर, लिथ मतलब पत्थर, तो उसको क्या बोला ऊपर वाले को, लिथोस्फियर, और वही चट्टान अगर गल जाए तो उसको बोलते हैं स्थैस, स्थेनोस्फियर, किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, समझ में आया। स्थेनोस्फियर में क्या भरा हुआ है, मैग्मा। स्थेनोस्फियर किसका भाग है, मेंटल का, ऊपरी मेंटल का भाग क्या कहते हैं, स्थेनोस्फियर, जिसमें भरा है मैग्मा। यही मैग्मा ऊपर आएगा तो बोलेंगे लावा, और जो लोग देखेंगे इसको बोलेंगे ज्वालामुखी। यहां तक क्लियर है एकदम। जो ऊपरी मेंटल का भाग है वो कैसा, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, नहीं है। अरे बाबू मैग्मा सॉलिड होता लिक्विड होता है, लिक्विड, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके जो नीचे का भाग है ये कैसा है, सॉलिड है। समझ में आया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। हम गए थे जो ये महाद्वीपीय भाग है और महासागरीय भाग है, इसको जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड। ट्रिक बताए थे, सीएम चीफ मिनिस्टर कौन, राहुल गांधी, ध्यान रखना ये ट्रिक, याद रखना पगला जाओगे, सीएम राहुल गांधी, जब मजबूरी है यार, जी से भी है ना, राहुल गांधी को हम बदनाम नहीं कर रहे, जी से भी ट्रिक है सीएम, अरे कोई हो जिसका राहुल भी नाम हो और जी से कुछ और हो उसका सर नेम, उसको ऐड कर देना, ठीक। सीएम राहुल गांधी, क्या लिखा हुआ है, समझ में आया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सीएम राहुल गांधी लोन, सी से कोनार्ड हो गया, एम से होगा मोहो, मोहो दूसरे पे देखो कहां पे आएगा मोहो, स्थल मंडल, और ये जो स्थल मंडल है और ये जल मंडल जो है, स्थल मंडल और महासागरीय मंडल जो है, इसके बीच की जो लाइन है वो क्या है, सी से कोनार्ड, कोनार्ड, फिर दूसरे पे क्या है, आर एम। अब देखो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का ये जो क्रस्ट है इसका आउटर पार्ट, क्रस्ट का आउटर पार्ट और मेंटल का बाहरी पार्ट, इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इन दोनों को डिवाइड करने वाला क्या होगा, मोहो असंबद्धता रेखा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, समझ में आ रहा है। अरे छोटे एग्जाम में दम नहीं है किसी के इतना डीप पूछ ले, यूपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, यूपीएससी वालों को ध्यान देना चाहिए। अरे छोटे भाई छोटे एग्जाम, पुलिस पुलिस के एग्जाम में कहाँ, और उनको खुद नहीं पता कोनार्ड रेखा क्या होती, तुमसे क्या पूछेंगे, अगर किसी दरोगा को पुलिस वाले को पता है तो थाने में जाओ पूछो जाके बताओ वो लाइन बता के आउटर में आउटर उसको आउटर मेंटल और इनर क्रस्ट को डिवाइड करती है, बता पाएगा तुम्हें, नहीं बता पाएगा, ये बता पाएगा यूपीएससी वाला, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, समझ में आया, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन किसको नहीं समझ में, क्रस्ट और अपर मेंटल, अरे बाबू क्रस्ट, क्रस्ट पूरी क्रस्ट और अपर मेंटल, अपर मेंटल में क्या भरा हुआ है, मैग्मा,
क्रेस्ट अपर मेंटल की जो बीच में लाइन बनी है, बीच में जो डिवाइड करती है इन दोनों को, उसको क्या कहते हैं? मोहर डिस्कंटिन्यूटी लाइन। अब बताओ इस मेंटल में ये वाला जो सॉलिड पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है कैसा है? ठोस सॉलिड है। तो बताओ ये जो आउटर मेंटल है और इनर मेंटल है, इसको डिवाइड करने वाली लाइन रेफ्टी, रेफ्टी लाइन, रेफ्टी डिस्कंटिन्यूटी लाइन। रेफ्टी डिस्कंटिन्यूटी लाइन किसको डिवाइड करेगी? अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। अपर मेंटल में क्या भरा है? मैग्मा। लोअर मेंटल में क्या है? पत्थर, ठोस पार्ट है। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? रेफ्टी, रेफ्टी या रेफ्टी, रेफ्टी होता है। देख लो फिर से लिखेंगे, रेफ्टी, रेफ्टी डिस्कंटिन्यूटी लाइन। आर से देखो राहुल भैया, राहुल भैया के आर से क्या बना है? रेफ्टी बना, नहीं बना है? आर से वो बनेगा और जी से अभी आगे और एल से बनेगा, पूरी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। तो बताओ ट्रिक समझ में आ रही? सी एम राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बहुत आलू जाएगा। सी एम राहुल गांधी समझ गए, लिखा है तुम समझ जाओगे। एल से अभी ट्रिक में आगे बता रहे, बताओ यहां तक किसको नहीं किया? एकदम नोट डाउन किए सब। अब देखो ये जो ऊपरी भाग है मेंटल का, जो ऊपरी भाग है इसको क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते, नहीं बोलते? इसको क्या बोलेंगे? दुर्बलता मंडल। और जो नीचे का भाग है, ये ठोस भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इनर मेंटल। अब बारी किसकी है? कोर की। ये जो जीनियस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जीनियस बता रहे हैं, वो कौन से साइंटिस्ट है? समझ में आ रहा है? जीनियस कहेंगे ये जो कोर है ये भी दो पार्ट में बटा है। तो बताओ ये आउटर कोर हुआ, आउटर कोर, और ये कैसा हुआ? इनर कोर। कहते हैं भैया जी जो ये आउटर कोर है इसमें भी क्या भरा हुआ है? मैग्मा। आउटर कोर में भी क्या है? मैग्मा। और इनर कोर में मैग्मा नहीं है, ये कैसा है? ठोस। डायग्राम बनाओ नोट डाउन का। नोट डाउन किया? समझ में आ रहा सबको? एकदम न समझ में आया तो बताओ फिर से। अरे भैया टफ है यार, आज तुम किसी एग्जाम कोचिंग में जाओगे तो सब बहुत थोड़ी ना पढ़ाएगा तुम्हें, ये वाला पढ़ाएगा, ये क्रेस्ट मेंटल कोर खत्म मामला। और ये सब देख रहे हो कितना कठिन है, इसमें भेजा लगाना पड़ता अंदर वाला। देखो एक एक बात पढ़ानी पड़ रही, इतने किलोमीटर पे ये वो दुनियादारी है इसमें, नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सबको? अब देखो तो मेंटल वाला पूरा निपट गया, कोर डालो। ये ट्रिक ना भूलना भैया, ट्रिक ही खास है जो तुम्हारे तुमको क्या है, जो बीच में असंबद्धता रेखा है उनको याद दिलवाएगी। क्या डालो? कोर। कोर देखो, कोर की जो डिस्टेंस है मेंटल की कहां तक थी डिस्टेंस? 29 किलोमीटर। और जो कोर की डिस्टेंस है, लास्ट कोर की डिस्टेंस है, ये होगी लास्ट डिस्टेंस डालो। जो आउटर, अरे 6300 कितना बताए थे? 6371 होगा, 6371। अरे हम तुमको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तब कितना बताए थे? 6371 बताए थे, तो भूल गए। देखो टोटल हो गया नहीं हो गया? 6371 किलोमीटर। बताओ पहुंच गए वहां? नहीं पहुंच गए? ये देखो पहुंच रहे हैं, लास्ट में पहुंच गए, इंड पे पहुंचे नहीं पहुंचे? ये जो काटे थे देखो कितना है, 6371। 6371 की क्या है अर्थ में? रेडियस। ये रेडियस है नहीं, इसी डंडी को अगर तुम पूरा कर दोगे, मैथ तो पढ़े हो ना सब लोग, सर्कल एक चैप्टर होता सर्कल, सर्कल में अगर डंडी बीच में है और डंडी को इसे घड़ी जैसे घुमाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अरे डंडी बीच में है, गोले के बीच में अगर डंडी तो रेडियस,
एडल्टी को पूरा कर दो, यहां तक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम तुमको डायमीटर, तुम ये डंडी बना दी, इसको पूरा घुमाओगे, यही सीन तो बनेगा पूरे में। अरे इसको ऐसे पकड़ो, ये जो फांकी काटे हैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाओ, ये तो गोल घुमा दो, तो पूरे अर्थ की स्टडी होगी, नहीं होगी? तो इसीलिए ये आप पूरा ये काट के बताए, इसको पूरा घुमाओगे, ऐसे घुमा दोगे तो पूरा अर्थ ऐसा ही है। अब पूरे अर्थ को ऐसे पढ़े तो समय लग जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे काट के बताए। समझ में आया? कोर का डिस्टेंस लिखा, कोर में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाएगा, कौन सा मेटल पाया जाएगा भाई? निकेल आयरन। और वो वाला जो ये लोग बताए हैं सियाल सीमा निफे, वो सेम इसमें है, उसमें नहीं चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या सबसे अधिकता पाई जाएगी? निफे चाचा की, निफे चाचा, निफे चाचा को नी से निकेल, इनकी चाचा की वो है, चाची, क्या नाम है इनका? निकेल। और चाचा का क्या नाम है? आयरन। फिर निकेल और अरे एफी का मतलब आयरन होता है भैया, केमिस्ट्री में पढ़े एफी, एफी का मतलब आयरन। ये जो चाचा है, ये जो चाचा है अंदर, ये कौन है? आयरन। जो लोहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बनाता नहीं बनाता है, अरे चुंबक, चुंबक ऐसे लोहा रखो चुंबक में खींच लेगा, उसको खींच लेता नहीं खींच लेता, वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल साउथ पोल सामने आ गए तो दूर चले जाएंगे, और साउथ और नॉर्थ आए तो इसे चिपक जाएंगे। और यही फील्ड पूरे अर्थ में चाचा बनाते हैं, यही फील्ड पूरे अर्थ पे चाचा बनाते हैं, तभी जो खतरनाक है इंफ्रारेड रेस, जो सनलाइट भेजती है इंफ्रारेड, बहुत खतरनाक, और वो आ जाए ना तो ये पूरी अर्थ एक सेकेंड में राख बन जाएगी। एक सेकेंड में क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी। With a blink of eyes, Earth is going to be ash. Ash समझते हो? राख। तो वही से पलक हिंदी में बताएं। इंग्लिश में जो बोले इसको हिंदी में कहते हैं पलक झपकाने भर से अर्थ क्या बन जाएगी? राख का ढेर बन जाएगी। यही इंग्लिश में बोल दिए। तो बताओ इसको चाचा लोग थे, चाचा का नाम क्या है? आयरन। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक बनती, ये जो इंफ्रारेड आएगी सन से, यही मैग्नेटिक फील्ड ये रोक लेगी इसको, यहाँ नीचे नहीं आने देगी। समझ में आ रहा है? तो बताओ सबसे महान कौन? चाचा है महान, नहीं है? और चाचा की चाची का क्या नाम? निकेल। समझ में आ रहा है? और चाची ना हो साथ में तो फील्ड ही नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये निकेल, निकेल समझ में आया? निकेल और आयरन एकदम क्लियर है, निकेल और आयरन बना। सबसे ज्यादा खनिज मेटल निकेल और आयरन कहां मिलेगा तुम्हें? कोर में। कोर की स्टडी करने जा रहे हैं। दो कोर को दो भाग में बांटा, आउटर और इनर, आउटर और इनर। समझ में आ रहा है? कहां तक यहां निपटा दिए? ये देखो राहुल गांधी रेप्टी वाला निपटा दिए। क्या बचा है? जी बचा है, एल बचा है। ये जो इनर मेंटल है, ये जो इनर मेंटल की लाइन दिख रही है, इनर मेंटल की लाइन इधर देखो, समझो ये इनर मेंटल की लाइन और ये आउटर मेंटल, इनर मेंटल की लाइन और आउटर मेंटल, आउटर कोर, आउटर कोर और इनर मेंटल, तो ये यहां पे लाइन बनेगी नहीं बनेगी? ये बनेगा नहीं बनेगा बताओ? अरे भैया हम तुमको समझ में आ रहे नहीं आ रहा। गुटेनबर्ग, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा जो है किसको डिवाइड करती है? आउटर कोर और इनर मेंटल को डिसाइड कौन करता है? गुटेनबर्ग। देखो ना गांधी जी से क्या हुआ? गुटेनबर्ग। समझ में आ रहा? एल से होगा लेहमन, जहां ना पहुंच सके मैन वहां पे है लेहमन, जहां पे ना पहुंच सके मैन, मैन समझते हो? अरे हम वो मैन नहीं दिख रहे हैं, जहां पे ना पहुंच सके मैन वहां पे एक लाइन है जिसका नाम है लेहमन, सबसे लास्ट वाली लाइन क्या होती है? लेहमन लाइन, जो किसको विभाजित करती है? इनर कोर और आउटर कोर को। किसको विभाजित करेगी? इनर और आउटर कोर को। मामला खत्म, फिनिश, नहीं फिनिश हुआ, फिनिश हो गया।
अरे इन दोनों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना, ये जो ऊपर का पढ़ा है ये सब डिटेल में, ये दुर्बलता मंडल डिटेल में, मेंटल मेंटल डिटेल में थोड़ी ना, बस इतना जान दो, जान जाओ कि ये दो में डिवाइड है, ये जो कोर है आउटर कोर इनर कोर, आउटर मेंटल इनर मेंटल, इनके बीच में जो लाइन है ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बीच की जो लाइनें हैं ये यूपीएससी में पूछी जाएगी नहीं पूछी जाएगी, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। जो स्थल मंडल भूमंडल यानी जिसपे हम खड़े हैं, महाद्वीपीय मंडल, महाद्वीपीय मंडल, और जो ये है महासागरीय मंडल, महासागर को महासागरीय मंडल और महाद्वीप जहां हम रह रहे हैं महाद्वीपीय मंडल, इन दोनों को जो डिवाइड करती लाइन उसको क्या बोलेंगे, देखो सीएम, सी से कोनार्ड, असंबद्धता रेखा, उसके बाद इसके नीचे आओ आउटर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट की, ये जो क्रस्ट की ये लाइन है इन दोनों को डिवाइड कौन करेगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, उसके बाद देखो और आगे और नीचे बढ़ो, ये हो गया आउटर, आउटर मेंटल हो गया, इनर मेंटल और आउटर मेंटल को जो डिवाइड करेगी रेप्टी लाइन, समझ में आ रहा है, और नीचे बढ़ो, अब देखो इनर मेंटल आउटर कोर, इनर मेंटल और आउटर कोर को जो लाइन डिवाइड करेगी वो कौन सी होगी, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग नीचे देखो, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किस किन दो को डिवाइड करेगी, ये पगला गई, इनर कोर बता रहे, आउटर कोर और इनर मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर मेंटल को कौन डिवाइड करेगा सबसे लास्ट, लेहनल, जहां ना पहुंच सके मैन वहां कौन पहुंचे हैं, लेहनल, तो बताओ सबसे लास्ट की जो रेखा है डिवाइड करती है वो कौन सी रेखा है, लेहमेन, सीएम राहुल गांधी लोल जो ट्रिक है एल से क्या बनेगा, लेहमेन, समझ में आया, अरे वही है राहुल गांधी जी, समझ रहे हो, पंजाब वाले, और उनको सब कहते नहीं कहते वही ट्रिक नंबर, ये हम ही बनाए हमको लग रहा है पूरी दुनिया में, और जान गए तो हमको निकाल देंगे देश से, सीएम राहुल गांधी लोल, सी से मजबूरी है भाई और कोई गांधी समझ में नहीं आ रहा था, सी से कोनार्ड, एम से मोहो, आर से रेफ्टी, जी से गुटेनबर्ग, एल से लेहमेन, फिर से रिपीट करें, पर तुमको दिख रहा नहीं दिख रहा है, सी से कोनार्ड, एम से मोहो, आर से रेफ्टी, जी से गुटेनबर्ग, एल से लेहमेन, पूरे हो गए डिवाइड, इसको रब कर दे, किसी को कोई दिक्कत आया समझ में, एकदम क्लियर, आइए यहीं तक, यहीं तक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है जो ये जो क्या है जो मैग्मा भरा है, मैग्मा दो प्रकार से बाहर आता है, एक तो मैग्मा अंदर ही रह जाता है, एक क्रस्ट के अंदर ही रह जाएगा, कोशिश करेगा बाहर आने के, ऐसे जम जाएगा वहां पे, ये जो ऐसे जम जाएगा इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइक, ऐसे जम जाएगा इसको क्या बोलेंगे डाइक, अगर ऐसे जम जाए ऐसे तो इसको बोलते हैं लाइकोलिथ, और ऐसे जम जाए तो लिपोलिथ, समझ रहे हो, अंदर जम जाए, और जब यही मैग्मा बाहर निकलेगा और जमेगा तो उससे बनेंगे, उससे क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे, उसी को कहते हैं लावा माउंटेन, सुने हो अपनी जिंदगी में लावा माउंटेन, सुनोगे अभी जब पढ़ाएंगे लावा माउंटेन, और यही जो ऊपर मैग्मा आएगा और जमाव ले लेगा, ऊपर मैग्मा आएगा जमाव ले लेगा, जमाव लेगा भाई कोई गर्म चीज आएगी, ऊपर का वातावरण ठंडा है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके क्या कैसा बन जाएगा, पथरीली जमीन बन जाएगी, पथरीली जमीन बनेगी, उसकी जो सबसे पहले चट्टान बनेगी, सबसे पहले चट्टान उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, जो आग से बनेगी, जो आग से डायरेक्ट बनेगी उसको आग्नेय चट्टान, जो आग से डायरेक्ट बनेगी, मैग्मा बाहर निकलेगा और जम जाएगा, मैग्मा आग जैसा है नहीं, मैग्मा बाहर निकला जम गया चट्टान बन गया, मैग्मा बाहर निकला जम गया चट्टान बन गया, हम पहुंचे देखा अभी अभी जमा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसने अपना रूप बदल लिया, रूप ही बदल लिया इसने, अरे हवा पानी और सब किसके ऊपर गिरा, हम जब देखने गए थे तो काला था,
अब हो गया नीला पीला सफेद हो गया, तो रूप बदल गया नहीं बदल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान। इसके बीच में होती अवसादी चट्टान, तो बताना भूल गए, आग्नेय चट्टान के बाद बनती अवसादी चट्टान। तुम हम चट्टान जैसे हैं, अरे कंफ्यूज है, अरे नहीं लग रहा है तुमको चट्टान? वन मैन आर्मी, सारे सब्जेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, तो कोई और टीचर आता पढ़ाने तो चट्टान जैसे है नहीं, हम जो चट्टान है, बताओ हम एक महीना ना नहाए, ये जाड़ा चल रहा, कौन नहाता है इतनी जाड़े में, एक महीना ना नहाए तो हमारे ऊपर हमारा ही अवसाद जमेगा। अपने अवसाद को हम क्या कहते हैं? मैल। मैल कहते नहीं कहते, ये इधर जम जाएगा तो मैल जम जाएगा, जम जाएगा। अरे जब हम पैदा हुए थे, जब हम पैदा हुए तो हम थे आग्नेय चट्टान, आग्नेय, मम्मी कभी नहलाई ही नहीं नहलाएंगे तो हम बताओ आज कैसे होते, नहाते जलते हुए तब से नहाए नहीं, बताओ मैल किए तो जम जाता, एक एक बोरिया मैल जम जाता, उसको क्या जियोग्राफी में बोलते हैं? मैल को जियोग्राफी में अवसाद बोलते हैं। अब किसी मैले इंसान को देखना तो कहना अवसाद जमा है, समझ में आ रहा है? अरे भैया हम ये कह रहे हैं हम अभी चट्टान जैसे हैं नहीं, हम नहा ही ना, बताओ हम कितने दिन ना नहाए तो हम लद जाएंगे अवसाद से, 20 दिन, एक महीना, एक महीना बता रहे हैं, एक महीना, क्या ठीक, अब एक महीना नहीं नहाए, एक महीना ना नहाए तो सब मैल मैल जम जाएगा, और हम देसी स्टाइल में उसको क्या कहते हैं? मैल। लेकिन जियोग्राफी में उसको क्या कहते हैं? अवसाद। आप बताओ जब हम नहाएंगे एक महीना बाद, फर्स्ट डेट को, 1 जनवरी को जब हम नहाएंगे तो घिस घिस के नहाएंगे, नहीं घिसेंगे, घिसेंगे नहीं घिसेंगे, अरे ऐसे 2 लटिया डालेंगे तो मैल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो गर्म पानी लेना पड़ेगा और उससे घिस घिस के नहाएंगे। अब बताओ अवसाद छूट रहा नहीं छूट रहा? छूट रहा नहीं छूट रहा? जो खोपड़ी में अवसाद जमता है इसको क्या कहते हैं? डैंड्रफ। डैंड्रफ होता है वाइट, और जो स्किन पे अवसाद जमता है कैसा होता है? ब्लैक। पूरे शरीर में मैल का जो जमाव होता है, एक ही कलर का मैल का जमाव नहीं होता है, अलग अलग कलर का होता है। अब सब छुड़ा दिए, छुड़ा दिए, और जिस वॉशरूम में नहाए और वॉशरूम के बाहर जब जाओगे देखोगे तो तुमको मैल अलग अलग कलर का दिखेगा, वो सब एक ही में मिक्स हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्राउन पड़ जाएगा। ब्राउन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बताओ रूप में अंतर आ गया नहीं आ गया? आया नहीं आया? इसी तरह चट्टान जब थी, जब चट्टान एकदम ओरिजिन हुई, चट्टान जैसे निकली, तो ये कैसी है? आग से निकली आग्नेय चट्टान। चट्टान को कौन नहलाने जाता बताओ? कोई जाता? ये आप खुद नहीं नहा पाते लोग, जाड़ा हो रहा है, खुद एक एक हफ्ता है, दो हफ्ता निकल जाता है। अब बताओ चट्टान को कोई नहलाने जाएगा? नहीं नहलाने जाएगा। पता चला उस पर वो गाय गई, गाय भी गोबर करके चली गई, और सब बहुत उस पर जमता रहेगा, वो क्या हो जाएगा? अरे कुछ उसका जो पार्ट है वो छूटेगा, अरे उस पर जो छोटे छोटे कीड़े होंगे उसको ऐसे खुरचेंगे, छोटे कीड़े दिन रात खुरचते चट्टान को, तुम नहीं जान पाओगे, खुरचते रहते हैं, और वो खुरच खुरच के उसका मैल सब निकाल देंगे, और जब बारिश होगी तो मैल ऐसे बह जाएगा, बह के जहां पे लगेगा वो अलग अलग प्रकार का मैल बह के जो जमाव लेंगे। आग्नेय चट्टान का जो अवसाद बह के जमाव ले ले उसको क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। मैली चट्टान कहेंगे नहीं कहेंगे? अरे अपनी भाषा में उसको तुम मैली चट्टान कह सकते हो। इसी मैली चट्टान में, इसी अवसादी चट्टान में फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल हिंदी में समझते हो? जीवाश्म। पता चला उस चट्टान पे बकरी मर गई, हम गए, हम ही समाप्त हो गए, वहां पे हमारी हड्डी उड्डी पड़ी। अब बताओ वो पानी के सहारे नीचे आएंगी और कहीं पे जम जाएंगी, जमती रहेंगी, जमती रहेंगी, एक ऐसे चट्टान बन जाएंगी, चट्टान बन जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे? अवसादी चट्टान। और इसी चट्टान में एक दिन रूप, कई सालों के बाद, 1000 सालों के बाद इसका रूप बदल जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे? रूपांतरित चट्टान। हिंदी में मेटाफर पढ़े हो? अरे हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में मेटाफर नहीं पढ़े तो तुम पढ़े क्या? बोलो इंग्लिश में मेटाफर, अरे वो रूप के, वो जो सेंटेंस होता है उसके रूप को बदलने को मेटाफर कहते हैं, और इसको भी तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफर रॉक। क्या कहेंगे? मेटाफर रॉक। और उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। और जो स्टार्टिंग में आग से निकली उसको क्या बोलेंगे?
इग्नियस रॉक, तीन प्रकार की रॉकें होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक पे अगर दाब और ताप ज्यादा पड़ेगा तो फिर किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्मा में, मैग्मा फिर आग्नेय, आग्नेय से रूपांतरित, फिर क्या, आग्नेय से अवसादी रूपांतरित, फिर मैग्मा, ऐसे साइकिल चलेगी। इसी को कहते हैं चट्टानीय साइकिल। समझ में आया, चट्टानीय साइकिल हुई। अरे साइकिल जब चलती है, रिम होगा, रिम पे ऐसे पॉइंट डाल दो, वो पॉइंट तुमको घूम फिर के एक जगह पे आते हुए दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसी को साइकिल कहते हैं। एक बात समझ लो, पूरी दुनिया में सब साइकिल के रूप में चल रहा है। हम लोगों का जन्म खाने से हुआ, खाना किस में होता, मिट्टी में, कोई खाना हवा में होता है, सब चीजें मिट्टी में उगती हैं, सारे खनिज, जितने भी खनिज मिट्टी में उतने हमारे शरीर में, साइनो बैक्टीरिया को छोड़ दो, सारे शरीर में वो तो बैक्टीरिया है ना, उसको हटाओ, जितने भी खनिज मिट्टी में है, पत्थर में, वो सब किस में है, शरीर में है, नहीं मिट्टी से शरीर बना है, और जब मर जाओगे तो किस में मिलेगा, बताओ, किसी बात का घमंड करना चाहिए किसी को, ए बाबू मिट्टी से उठे, और मिट्टी का पूरा संसार मिट्टी का बुलबुला है, मिट्टी का बुलबुला ऐसे उठता है तो इंसान बनता है, और जब बैठ जाता फिर उसी में, फिर उठता फिर बैठता, ऐसे उठता बैठता रहता है, समझ रहे हो। इसीलिए किसी महान आदमी ने कहा है, एनर्जी नोर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तुम खूब दिमाग लगाना दो दिन, तब हमको तुम बताना कोई चीज क्या दुनिया में बन रही है कि कोई चीज बिगड़ रही है, ना दुनिया में कोई चीज बन रही हो ना बिगड़ रही, सिर्फ अपने आकार को मॉडिफाई कर रहे। मॉडिफिकेशन जो है यही दुनिया का, ये तो गतिविधि है, दुनिया की गतिविधि मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो जनन है वो किससे होता है, मिट्टी से, और मिट्टी में ही आके मिल जाना है। तो गाने में नहीं सुने हो पुराने वाले गाने में मिट्टी, अरे बहुत पुराने गाने उसमें नहीं कहते मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, ये आभास अगर तुमको हो गया तो बताओ किसी को घमंड रह जाएगा, मिट्टी से लगा होगा, बहुत ऐसे अमीर हैं जो मिट्टी में या पैर ही नहीं रखते, मिट्टी में ऊपर ही ऊपर उड़ते, समझ में आया। कल इसके आगे बताएंगे आग्नेय चट्टान ऐसे करके।